है मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूं अपने चैनल पे

साल तक अपने हस्बैंड वाले राइट दिए ही नहीं कई साल तक वो उन दोनों के बीच में हमेशा गैप रहता था हमेशा वो उन पर चिल्लाती रहती थी कभी अपने हस्बैंड को वो प्लानिंग करती थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कभी भी अपने आप को टच नहीं करने दिया था तो काफ़ी साल बाद उन लोगों ने एक दूसरे के साथ हीट और स्पेंड की थी जिसके कारण विंग का बर्थ हुआ था तो इसी कारण विंग की जो बर्थ हुआ था वो शादी के कई साल बाद हुआ है वहीं दूसरी साइड लांगवांग जी के पेंट्स की लव मैरिज हुई थी तो वहाँ पे उन लोगों की शादी के तुरंत बाद उन लोगों के बेबीज भी हुए थे इसलिए विंग और लांगवांग जी की एज में डिफरेंस है चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं विंग अब शांति से उस हॉल में खड़ा हुआ है और लोगों की नज़रें अपने ऊपर फील कर रहा है कहने के लिए विंग के फेस पे एक बड़ा सा रेड वेल है लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं या एक तरीके से उसकी तरफ नजरें हैं अब क़ुरन की बात सुनने के बाद इन उस इस, इस समय जो उनके सीनियर्स थे वो सब लोग कुरन के एक बात पे अग्री करते हैं वो मानते हैं कुरन ने जो डिसीज़न लिया वो सही था लेकिन हाँ ये उनके सेट लीडर की शादी है तो ये शादी इस तरीके से शांति से हो गई ये चीज इस सेक्ट के लोगों को पसंद शायद नहीं आएगी इसलिए वे लोग डिसाइड करते हैं समय बाद वो सारे सेक्ट को इनविटेशन भेजने के देंगे और एक बहुत बड़ी सेरेमनी करेंगे जिसमें वो लोग सारे सेक्ट्स को बुला के किंग को ऑफिशियली वांग जी के साथ सबके बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे उसके एज ओमेगा पार्टनर के रूप में जिससे से कुरैन भी अग्री करते हैं पर वाग जी शांति से खड़ा हुआ है जी कि ये एक अलग आदत है जो विंग ने नोटिस करी जैसे विंग के सेक्ट में यानी सेक्ट में में क्लाइन लोग आपस अपने पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से अपने मन के विचार बताते हैं यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ बड़े लोग ही आपस में डिस्कस करके जो डिसीजन ले लेते हैं लोग शांति से मान लेते हैं जैसे वांग जी मान रहे हैं वांगजी बिल्कुल भी कुछ बोल ही नहीं रहा है कहने के लिए वो सेक्ट लीडर है इस क्लैंड में अभी कितने सारे रूल हैं विंग को आइडिया नहीं लेकिन वो ये समझ चुका है कि वो जिस क्लैन से आए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की लोगों को अपनी बात बोलने की लोगों को सीनियर्स के सामने भी अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ नहीं है शायद यहाँ पे सीनियर्स के आगे या बुजुर्गों के आगे बोलना ही मना है इसलिए शायद वांग जी चुप खड़ा है जो कि विंग को थोड़ा अजीब लग रहा है रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है हाँ आपको बड़ों के सामने तुरंत उनकी बात काट के उन्हें उल्टा जवाब देना नहीं चाहिए लेकिन हाँ अच्छे से अपनी बात भी रखनी आनी चाहिए जो विंग को आती है विंग कहना चाहता था चीख चीख के बोलना चाहता है कि वो अब कोई नया नाटक नहीं करना चाहता ये शादी उसने कर ली बहुत है लेकिन अब वो सारे फैक्ट्स के सामने दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता वो बहुत ज़्यादा अपसेट है दुखी है उसके सेक्ट में इतना सब कुछ हो रहा है उसके अंकल को बंदी बनाया जा रहा है और वो यहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन एक जश्न का पार्ट बने उसका मन ऐसा नहीं चाहता लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद आप एक कहते आपने ससुराल वालों के ही आ, रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है उस फैमिली को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी पड़ती है यही कहा जाता है उमेगा से तो रिंग भी अभी यही महसूस कर रहा है अपने फैमिली को इस दर्द में छोड़ के आके अपने सेक्ट की इस बेजती बर्बादी को होते हुए देखने के बाद भी वो अपने क्लैन में यानी इस नए परिवार मानो या इस नए सेक्ट को अपना सेक्ट जो उसे मानना पड़ रहा है लैंड सेक्ट के इस सेलिब्रेशन को पार्ट तो उसे बनना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ अभी ना करने के लिए तो ये कहते ना आ, राइट पे नहीं है इतना उसकी अभी औकात नहीं है या अभी वो ये सब चीज़ों के बारे में जानता नहीं है लेकिन वो चुपचाप खड़ा है विंग और वांगी को तो सब लोग अपनी अपनी पॉइंट बताते हैं कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं विंग और वांगी का भी सारे सारे लोगों को वो करते हैं सब लोग अपनी अपनी साइड से इस समय तो सब लोग सिर्फ ग्रीटिंग्स और आशीर्वाद ही दे रहे हैं मुँह से कि अच्छा खुश रहो तुम्हारी लाइफ में ये रहे इस टाइप की चीज़ें करें इस समय तो इन्हें कोई प्रेजेंट व्रेजेंट एज सच मिल नहीं रहे हैं वैसे लैंड क्लाइन में प्रेजेंट देना और लेने का ज़्यादा रिवाज भी नहीं है कुछ शोशा भी बाजी भी नहीं है लेकिन आज तो ये लोग शायद वैसे कुछ देना भी चाहते हैं तो दे नहीं, नहीं सकते क्योंकि अभी प्रपेयर नहीं है इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि कोई बड़ा सा सेरेमनी करे सेलिब्रेशन करे जहाँ सब कुछ जो है जैसा चाहता था आपने सेक्ट लीडर की शादी में करना वो सब वो लोग वैसा करें ये सब लोग जब ये सब कर ही रहे थे तो तुरंत अब एक सीनियर आगे आके बोलती है कि अब वांग जी को अपने आ, मतलब एक तरह से हस्बैंड को लेकर अपनी मदर्स के पास भी जाना चाहिए अपनी मदर से भी मिलवाना चाहिए ये चीज भी अभी महसूस हुई उसे पता है मैडम लैंड जिंदा है उसे ये भी पता है कि लैंडस्ट के जितने बारे में उसने सुना है कि ओमेगास और अल्फाज अलग रहते हैं यानी बड़ी जगह जैसे कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग या एक तरह से मेन जो हॉल है या महल है वहाँ पे ओमेगास नहीं आते हैं और आज वो चीज़ उसने देख भी ली हाँ यहाँ इस पूरे हॉल में एक भी ओमेगा नहीं है बुजुर्गों में भी कोई ओमेगा नहीं है सारे अल्फा ही हैं जो वांगी को विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो अब शांति से खड़ा हुआ सब ऑब्जर्व ही है विंग को लेके के तुरंत अपनी मदर के पास मिलने के लिए चला जाता है जब विंग यहाँ पहुँचता है तो काफी शौक हो जाता है ये जगह बिल्कुल अलग है हाँ ये जहाँ से अभी विंग और वांगजी आए हैं क्लाउड्रेसेस के से थोड़ा सा दूर एक बड़ा सा महल टाइप है जिसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जेंटल हाउस ये जेंटल हाउस स्पेशली मैडम लैन का ही घर है ये हाउस मैडम लैन के लिए ही द्वारा बनाया गया है इसमें अधिकतर रॉयल ओमेगा जैसे मैंने पहले बताया मिंग्याओ मिंग्याओ की मदर और लैन शिजोई और लैन जिंगी रहते हैं जब हिंको और वांगजी जब इस यहाँ पे पहुँचते हैं तो सब लोग शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से इन दोनों को देख रहे हैं वांगजी के एक्सप्रेशन से तो लोग नहीं समझ सकते कि वो क्या कह रहे हैं क्योंकि एज यूजुअल उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल स्वयं है और वहीं विंग के फेस पे इतनी बड़ी वेल है तो कोई विंग को भी नहीं देख पा रहा है कि ये दोनों कितने दुखी है अंदर से ये सारे नाटक करते हुए ऐसे एक एक से मिलते हुए वांगजी का मन भी कर रहा है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए क्योंकि वो भी ऐसे रिश्ते में बनना नहीं चाहता था अपनी पहली शादी के बाद तो बिल्कुल भी वो शादी करना ही नहीं चाहता था उसकी पहली शादी उसकी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है उसे अब तक वो डिसीजन पे अपने आप पे रिग्रेट होता है और अब वो दोबारा से एक शादी में बंध गया इस चीज़ से वो भी काफ़ी शौक़ है पर उसके एक्सप्रेशन से कोई ये चीज़ समझ नहीं सकता उसके दिल की हालत भी कोई समझ नहीं सकता उसके लिए भी ये चीज़ कितनी पेनफुल है ऑलरेडी वो एक बार ये सब पेन महसूस कर चुका है वो पहले भी एक ऐसी शादी में बन चुका था जो ज़बरदस्ती की थी जिसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी उस पेन को उसने तब भी महसूस किया था और अब दोबारा से उसके साथ सेम प्रोसेस हो रहा है इस बार भी वो एक ज़बरदस्ती की शादी में बन गया एक बार इंसान जब हाथ जल जाता है तो या कहते हैं कि एक बार दूध से किसी इंसान का मुँह जल जाए तो वो दूध भी फूक ठंडा दूध या कहते हैं छाछ भी फूक मार मार के पीता है इंसान के साथ दोबारा से ऐसा हो जाए तो उसके साथ क्या होगा वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ समझ क्यों नहीं रहा उसके लिए भी तो कितना स्ट्रेसफुल है ना क्या अल्फा का मन नहीं होता क्या अल्फा नहीं चाहते कि किसी से प्यार करें उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस हो हाँ वांगजी भी कभी एक टाइम पे शादी को लेकर इमोशंस को लेकर फील करता था वो कोई इमोशनल लेस पर्सन नहीं था जैसा वो अब बन गया है ये कोल्ड हार्टेड इमोशनल लेस पर्सन जो अब वो बन चुका है जो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, और इन चीज़ों को मानता है वो कभी पहले ऐसा नहीं था वो भी इमोशंस प्यार अटैचमेंट इन चीज़ों को लिए फील करता था उम्मीद करता था लेकिन उसकी पहली शादी ने उसे इतना बड़ा घाव छोड़ दिया है कि उसके बाद उसके लिए ये सब चीज़ें अब यूजलेस हैं। उन्हें अब उसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी एक फॉर्मेलिटी की तरह ही ये सब चीज़ें कर रहा है वो अपनी मदर के साथ यहाँ पे विंग को आया है और पीछे पीछे कुरेन भी आए हैं कुरेन भी जानते हैं कि उनकी सिस्टर इन यानी मैडम लैन कैसा बिहेव करें कुछ कहना अनएक्सपेक्टेड है शायद मैडम लैन ही वो रीजन थी जिसके कारण कुरैन ने विंग को शादी के बाद यहाँ लाने के डिसीजन किया कुरन अच्छे से जानते हैं ओमेगास इसी घर में रहते हैं अगर वो विंग को यहाँ लेकर आते तो वो इसी घर में रहता पहले अगर वो बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहता तो मैडम उसकी लाइफ कैसे में रहेंगे जो एक तरीके से वांग जी का घर है और वो मैडम लैन से थोड़ा दूर रहेगा तो उन्हें यकीन है कि वो विंग को मैडम लैन से सेव से कर लेंगे मैडम लैन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओमेगा हैं उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल और एक जेंटल एक्सप्रेशन रहते हैं लेकिन अंदर से वो कितनी खतरनाक है और वो औरत कितनी खतरनाक बन सकती है ये तो कोई समझ ही नहीं सकता मैडम लैन मन से जे 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 मतलब एक तरह से काफ़ी नफरत करती थी विंकी मदर से चांसा सरेंट से कारण था कि मैडम लैन को कभी भी उनके लॉस का प्यार मिला ही नहीं मैडम लैन को कभी भी लैन क्लैन में लोगों ने शुरुआत में रिस्पेक्ट दी ही नहीं थी उनके हस्बैंड भी कुछ टाइम में उनसे गुस्सा नफ़रत और उनसे दूर दूर रहने लगे थे वैसे इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीजन कहीं ना कहीं लैंड के लोग और उनकी अनुसरी सोच भी है जब मतलब चिंगेजुन और मैडम लैन की शादी हुई थी तब उनके उस समय के मदर लॉ फादर लॉ यानी लान कुरैन और चिंगे के फ़ादर और मदर मैडम लैन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे मैडम लैन को लास्ट मोमेंट तक यानी वो लोग जब तक मरे नहीं तब तक वो सिर्फ यही ताना मारते थे कि वो कहीं से भी चांसा सरन के नाखून के बराबर नहीं है चांसा सरन से हमेशा उनकी कंपेरिजन किया जाता था चांसा सरन ज़्यादा खूबसूरत है चांसा सरन ज़्यादा टैलेंटेड है चांसा सरन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी चांसा सरन बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी वो यू लैन की राजकुमारी थी वहीं मैडम लैन एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती थी मैडम लैन को हमेशा चादसा सैन से कंपेरिजन करते करते उन्हें इतना नीचा साबित कराया जाता था इतना गिरा मतलब एक तो, तो, तो ना हमेशा लोग वो कम है चांसर सैन के बराबर नहीं हो सकती ऐसा कर दिया कि चांसल सैन के लिए मैडम लैन के मन में इतनी नफरत आ गई कुछ समय बाद तो मिलान उनके उनके हस्बैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी मैडम लैन हमेशा इस गलत फहमी में रहती थी कि शायद कि शायद जैसे उनके इन लॉज भी चांसेस हैं इनको पसंद करते हैं कहीं उनके हस्बैंड भी यानी चिंगे जन भी चांसल सरेंट से उन्हें कंपैरिजन ना करते हों वैसे तो चिंगे जन कभी ऐसा नहीं करते थे लेकिन कहते हैं ना किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एक ही बात कही जाए सुनाई जाए दिन रात उस चीज़ का उसे ताना माना जाए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में और दिल में वो बात घर कर जाती है हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बिल्कुल चिकना घड़ा बन जाए हर बात सुन के इग्नोर कर दे कई बात कई बातें मन में रह जाती हैं और कई टाइम तक वो हर्ट भी करती है मैडम लाइन के साथ

बार-बार कंपैरिजन करते-करते कि आखिरकार उनके हस्बैंड और उनके बीच में सिर्फ लड़ाइयां ही रह गई थी कुछ समय बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई तब मतलब एक तरह लांगवांग जी सिर्फ दस साल के थे और उनके बड़े भाई जी हाँ इस र, 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 फैन फिक्शन में लांगवांग जी के एक बड़े भाई भी थे जो ओमेगा थे जिनका नाम लान शिचैन है एक पर्सन ने मुझे स्पेशली कमेंट किया था Instagram पे मुझे मैसेज किया था कि क्या इस फैन फिक्शन इसी चैन नहीं है जी बिल्कुल इस फैन फिक्शन में चैन है और वो उमेगा थे लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है यानी क्लैन में नहीं है उसका भी रीजन आपको पता चलेगा वो भी एक स्टोरी के बीच का पार्ट है जो आपको आगे पता चलेगा लेकिन हाँ उनके बड़े बेटे यानी लाल शिचैन उस समय बारह साल के थे तो तब जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसने उनके आखिरी मोमेंट तक इन हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयाँ ही रहती वैसे चिंगजन की डेथ जो हुई थी वो एक नाइट हंट पे गए थे वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए थे इसके कारण उनकी डेथ हुई थी तो आ, इ, मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी उनकी कोई तबीयत वबीयत खराब थी या कोई इमोशनल ऐसा नहीं था वो एक एक एक्सीडेंटल एक, डेथ हुई थी उनकी लेकिन ये था कि इनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई थी कुछ साल बाद मेरा शादी के उनके डेथ के पहले कुछ सालों में कि मैम जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई उस समय इतनी नफरत थी उनके मन में अपने इन लॉज को लेके अपने न, न, हमेशा जो उनके इन लॉज उनकी कंपैरिज़न करते थे चादा सरन को लेके कि उनके मन में चादा सरन के लिए इतनी नफ़रत भर गई है कि शायद वो नफ़रत कहीं ना कहीं विंग पे आग के सामने आएगी ज़रूर ये बात कुरन भी जानते थे कुरन इसी कारण शायद थोड़ा था विंग को लेकर डरे हुए भी हैं और इसी कारण वो इस समय भी इन लोगों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं वहीं जब मैडम लैन विंग और और लांगवांग जी को एक दूसरे के साथ देखती हैं तो वो अब लांगवांग जी से डायरेक्ट बात ना करके तुरंत कुरैन की तरफ देखती है और अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए लेकिन मोकिंग स्माइल के, के साथ बोलती है अरे वाह कुरैन तुम भी यहाँ आ गए चलो अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही जाने वाली थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इस बार कौन से कैन की राजकुमारी या राजकुमार को बेटे का हस्बैंड बनाने का डिसाइड किया है आपने मैडम लैन के आवाज़ के गुस्सा नाराज़गी नफ़रत तीनों चीज़ें एक साथ महसूस कर सकते हैं लाल कुरैन इसलिए वो अपने सर को थोड़ा सा बो करते बोलते हैं सिस्टर इन लॉ ये वी वो है अब जी का हजबैंड हस्बैंड वो का नाम सुन के पता नहीं क्यों मैडम लैन को ये नाम कहीं सुना सुना लगता है और वो अचानक से अपनी सोच में घुमी थी जब पीछे मैं इस मतलब एकदम से मैडम मैडमी बोलती हैं वीव श्यान यानी वी, वी चांद और चांदा सरन इनका बेटा इस बात पे अब मैडम लैन की आंखें शौक में बड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनकी मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है पीछे खड़े ये एक तरह से मैडम मिंग और तो ये सुन के मन में बहुत खुश होते है उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें वांगजी को विंग की लाइफ से निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से मन में खुश है वही मैडम लैन बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत खड़ी हो गई हैं जैसे वो अपने शौक में चली गई हैं वांगजी को थी उसकी मदर ये बात सुन के गुस्सा करेगी हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ तेज करेगी हो सकता है कुरैन को कुछ उल्टा सीधा सुना दे वहीं कुरैन भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल पेपैर खड़े थे लेकिन मैडम लैन तो बिल्कुल उल्टा इनके सोच से बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करती हैं वो अपनी जगह से आगे आती हैं और विंग और वांगजी के सामने आके खड़े हो जाती हैं और प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराती हैं जिसे वहाँ खड़े सब लोग एकदम से अपने ही शौक में चले जाते हैं मैडम लैन के इस रिएक्शन की यहाँ पे किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कोई नहीं जानता था कि मैडम लैन इतने प्यार से रिएक्ट करेंगी सबको लगा था मैडम लैंड चीखेंगी गुस्सा करेंगी चिल्लाएंगी इनको प्यार कर रही हैं वो तो विंग पे एक तरीके से बिल्कुल नाराजगी नहीं कर रही वहीं विंग अब यही सोच के कि ये उसकी मदर इन लॉ है बड़े प्यार से सर झुका के उन्हें बो करता है पानी भी वीन के साथ अपनी मदर को बो करता है वो प्यार से वहीं को अकंधा पकड़ के खड़ा करती हैं वेलकम टू तो आवर फैमिली मैं तुम्हारी शादी में तो तुम्हारे साथ नहीं थी लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी मैं तुम्हें और अपने बेटे को आशीर्वाद देती हूँ ये बोलने के बाद मैडम बैन बड़े शांति से बड़े आराम से पीछे हट के लाल झिंगी और लान शिजोई की तरफ देखती हैं और बोलती हैं क्या खड़े हो तुम दोनों अपने ब्रदर और अपने ब्रदर इन लॉ का वेलकम नहीं करोगे क्या तुम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे याद दिलानी पड़ेंगी तुम इस घर के बच्चे हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ और ब्रदर आए तो उन लोगों के वेलकम की तैयारी करो जाओ जिंशी को अच्छे से सजाओ मैं इतना इन दोनों के साथ यहीं पर हूँ गर्दन ला के दौड़ दौड़ी मतलब तेज कदमों से जिंशी की तरफ निकल जाते हैं वांग जी और कुरैन बिल्कुल शांत है वही मैडम लैन भी बिल्कुल शांत है वो आराम से सबके पास सामने बैठती है कुछ सर्वेंट को सबके लिए टी लाने के लिए बोलती है आराम से विंग की तरह विंग को अभी वो शांति से बैठते हुए देख रही है वो ऑब्जर्व कर रही है घबराया हुआ और नर्वस लग रहा है कैसे वो बैठे बैठे अपनी उंगलियों से कभी अपने जो हाथ ने पहना हुआ है उसे पकड़ रहा है कभी घबरा के अपनी उंगलियों से ही खेल रहा है वो टी जो विंग के लिए आई थी वो घबराहट में उस टी को भी नहीं पीता है वहीं मैडम मीन और मिंग्याओं को समझ में ही नहीं आया मैडम लैन के इस रिएक्शन से उन्हें तो अब गुस्सा आ रहा है पर वो भी मैडम लैन के एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं वहीं विंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे नांग वांग जी और लाइन बैठे हुए हैं मैडम लैन और विंग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं माहौल बिल्कुल शांत लग रहा है लेकिन अंदर मन में मैडम लैन के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है जिसे कोई नहीं समझ सकता वो गुस्से में पड़े आ, 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 अंदर से बहुत गुस्से में है लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल शांत है अंदर ही मन में वो गुस्से में लाल कुरन की तरफ बीच बीच में देख रही हैं चाय पीने के साथ साथ और मन ही मन में कह रही है लाल कुरन तुमने आज फिर से वही हरकत करी जो तुमने पहले करी थी मेरे एक बेटे की तुमने मुझसे दूर कर दिया तुम्हारे गलत फैसले की वजह से आज लिशि जैन मेरे साथ नहीं है लेकिन अब मैं यह वांगजी के साथ नहीं होने दूंगी मैं वांगजी को अपने से दूर नहीं होने दूंगी मैं जानती हूँ, मेरे गुस्से का कारण कहीं ना कहीं वांगजी पे फर्क पड़ता मेरे गुस्सा करने से शायद वांगजी इस उमेगा से थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट रखता मेरे को अच्छे से पता है कमज़ोर के ऊपर अगर कोई जरा सा भी गलत करे तो वांगजी उस पर्सन के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और मैं विंग क्या वागजी के किसी तरीके से सपोर्ट में नहीं आने दूंगी बीबू शान मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी लेकिन अब मैं तुम्हारी इस शादी में जो तुम आए हो मेरे बेटे के साथ उस शादी के हर एक पल में साथ रहूंगी तुम्हारे और शादी को इतना बर्बाद कर दूंगी कि तुम इस शादी करने पे लाइफ टाइम तक पछताओगे मेरे बेटे का प्यार अटेंशन और मेरा बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी बस देखते जाओ विशान जिस नफरत और गुस्से में मैं इतने साल से जल रही हूँ शायद उसे बाहर निकालने के लिए ही भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम्हारी माँ के कारण जो मैंने सफर किया है उसका रिजल्ट तो तुम्हें मैं जरूर दूंगी तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे हेल्प बनाती हूँ वेलकम टू माय होम वी अब याद रखना एक एक दिन एक एक पल जो तुम यहाँ बिताओगे तुम मेरे प्यार और अपने पति के प्यार के लिए तड़पोगे जैसे मैं तड़पती थी अपने इन लॉज के प्यार के लिए अपने पति के प्यार के लिए वो सब कुछ अब तुम्हारे साथ होगा शायद तभी मेरे मन को वो शांति मिलेगी जो शांति अब तक नहीं मिली मेरे पति की आखिरी समय तक मैं उससे लड़ती रही वो प्यार जिसके कारण उसने अपने क्लैन से लड़के उससे शादी करी थी वो प्यार तुम्हारी माँ के कारण कहीं खत्म हो गया था और मैं वो सब कुछ तुम्हें महसूस करवाऊंगी मैडम लैन गुस्से में मन मन में बोल रही हैं उन्हें गुस्सा तो लान कुरन पे भी आ रहा है इसलिए वो बीच बीच में कुरैन को भी देख रही हैं उन्हें पता है कि लान कुरैन के फैसलों के कारण ही आज सबके साथ नहीं है इसलिए वो लाल से पहले से ही काफ़ी नफरत करती थी और अब इसके बाद तो उन्हें लाल से और ज़्यादा नफरत हो गई है कहते हैं ना गलत संगति लोगों को बिगाड़ देती है मैडम लैन पहले ऐसे नहीं थी वो बहुत शांत बहुत सुंदर बहुत नटखट बहुत मासूम थी लेकिन जब वो शादी करके आई शुरुआत में उसमें स्ट्रगल हुआ अपने लौज के साथ रहने में और उनके उस दुख और दर्द में उनका और ज़्यादा नफरत में भरने ये एक मैडम मिन यहाँ आ गई मैडम मिन की एक, एक मिस्ट्रेस थी जिसे कभी उन जिन जुशान ने करा ही नहीं उन्हें धक्के मार के जिन क्लैन से निकाल दिया गया था मैडम जी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी इतने बड़े क्लाइंट के सेक्ट लीडर से हुई है तो वो यहाँ इसी सेक्ट में आ गई थी उनकी हालत जब वो यहाँ आई थी तब बहुत बुरी थी वो प्रेग्नेंट थी अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और कई दिन की भूखी थी जिसके कारण लैंडक्लैन को भी उन पर बहुत तरस आ गया और उन्हें यहाँ पे रख दिया मैडम लैंड या ये कह सकते लैंड सोरेन का एक असिस्टेंट बना के शुरुआत में तो वो मेड वाले ही काम करती थी पर धीरे धीरे अपनी दोस्ती का रुतबा देख के वो मेड से कब दोस्त बन गई और अब तो वो लैंड फॉरेन की तरह लोगों पे ऑर्डर भी देती हैं उन्होंने मिंगयाओ का बर्थ यहीं लैंड क्लैंड में दिया था इसलिए मिंग्याओ एक तरीके से लैंडलैंड के शुरुआत से ही रूल्स रेगुलेशन को जानता था जब मैडम मिंग्याओं की एक तरीके से उमेगा होने पे उन्हें काफ़ी खुशी भी थी उनका बड़ा बेटा यानी मैडम लैंड का जो बड़ा बेटा था वो एक उमेगा था तो मिंग्याओं की से तो शादी नहीं हो सकती थी लेकिन जब वांग जी से वो हमेशा मिंग्याओ की शादी के सपने सोचती थी उन्होंने शुरुआत से ही मैडम लैन के आगे की इमेज ऐसे बना रखी थी मिंग्याओ बहुत स्वीट है बहुत अच्छा है और मैडम लैन भी मिंग्याओ को पसंद करती थी मिंग्याओ एक एडल्ट ओमेगा की छवि कैरी करता था उसका वो देखने में भी अच्छा था और हमेशा एक क्यूट स्माइल अपने चेहरे पे रखता था और वैसे भी वो लैंड क्लैंड के लोगों के आगे एक आइडियल ओमेगा ही बनके घूमता था तो लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन उनके प्लान पे पानी फेर दिया था लाल कुरेन ने लान कुरैन ने कुछ साल पहले यानी आज से करीबन न, कर, चार साल पहले यानी जब लान वांग जी ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड थे और उनके भाई ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड थे तब वैंडलैंड से रिश्ते की बात करी थी वैन क्लैन के फर्स्ट आए यानी वैन जूलियो के लिए लांशी चैन का रिश्ता आया था लानशी चैन के रिश्ते के लिए वैनसुलियों से मैडम लैन थोड़ा सा शोर नहीं थी क्योंकि वो लेवेंकलैन के बारे में सुन चुकी थी कि वैनकलैन के लोग घमंडी और अकड़ू होते हैं लेकिन फिर भी उस समय वैनक्लैन एक अच्छी पोजीशन पे था और वो जिन क्लैन से कोई रिश्ता करना नहीं चाहती थी ऊपर से पहले से ही क्लैन से दुश्मनी थी तो वैनकलैन से रिश्ते के लिए वो शांत थी लेकिन मन में उस चीज़ के लिए शोर नहीं थी वो ये एक बार कुरान से इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करती हैं लेकिन कुरान उन्हें ये कह के समझा देते हैं कि वो लोगों की बातों पे भरोसा ना करें वो खुद वेंजुलियो से मिला है और वेंजुलियो एक अच्छा इंसान है हाँ वेंजुलियो शायद उतना घमंडी और अकड़ू नहीं था जितना और ज्यादा घमंडी और, उन उन, उन मतलब तो और रिश्ते के लिए थोड़ा सा रेडी हुए थे और वैन रोहन के आगे इस वाले पहले भेजते हैं तो इन्होंने भेजा था तो वैन रोहन ने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और उधर से एक शर्त भेजी थी शर्त ये थी कि वो वनजुलियों के साथ लैंचन की शादी ज़रूर करवाएंगे लेकिन उसके लिए उनको उनकी लालली बेटी यानी वैन की शादी लान वांगजी से करवानी पड़ेगी वो अपने ही मतलब के लिए सोच रहे थे वो सोच रहे थे कि एक ऐसे घर में उनकी बेटी जाएगी घर का ओमेगा ऑलरेडी उनके घर पे होगा तो वो लोग उनकी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे या कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो भी उनके मतलब एक तरह बेटी के साथ ऐसे ही कर देंगे इस तरह की सोच से उन्होंने ये रिश्ता भेजा था मैडम लाइन को तब भी वो रिश्ता पसंद आया था उन्होंने साफ कह दिया था कि वो नहीं चाहती वांगी की शादी वेंचिंग से हो वेंचिंग उन्हें का एक दो बार जैसे कहे को था सेक्ट मीटिंग्स में या उसमें मिली थी और उन्हें उस वेंचिंग का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आया था लेकिन आ, उस समय लान कुरैन को व लाइन मतलब एक लान शिचैन के लिए बेस्ट लान मतलब एक ना वैन झूलियों ही लग रहे थे तो वो उस रिश्ते को मानने पर मैडम लाइन को मजबूर करते हैं आधी मन से ही मैडम लाइन मान जाती हैं पूरी शादी की पूरी प्रपेशन होती है ये लोग खासकर मतलब वैन क्लैन को अपने क्लैन में बुलाते हैं शादी के लिए वैसे तो पहली शादी लैन शिचैन और ए, वैन झूलियों की होने वाली थी लेकिन यही वैन के अपने घमंड और एटीट्यूड के कारण वे लोग शर्त रखते हैं कि पहले लांग वांगी और वेंचिंग की शादी हो मॉर्निंग में लांग वांगी और वेंचिंग की शादी होने वाली थी और कुछ घंटे बाद यानी पूरी सेरेमनी एक बार इनकी होती उसके बाद नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को ये लोग फिर रेंजुलियो और लाइन शिचन की शादी करते जी और वेंचिंग की शादी प्रॉपर सेरेमनी से होती है लेकिन जब वाद बारी आती है वेंजुलियो की और लांशिचेन की शादी की तो तब उन लोगों को बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि लांशिचेन यहाँ से कहीं चले गए थे एक तरीके से वो अपनी ही शादी से भाग गए थे जब ये चीज़ सबको पता चलती है तो सब लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग था मैडम लैन को भी उम्मीद नहीं थी कि शचैन इस तरह से शादी से ऐसे भाग जाएंगे क्योंकि सचैन ने अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी मदर को भी नहीं कि वो तो नी नीमिंजू से को प्यार करते हैं नी मिंजू नी क्लैन के फ्यूचर सैकल बनने वाले थे वो एक अल्फा थे वो दोनों अधिकतर सेक्ट मीटिंग्स पे मिला करते थे यहाँ से इस तरीके से शिचैन के भागने के बाद तो और ज़्यादा ओमेगास पे रूल बन गए और वो शादी ना होने के कारण वैनक्लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वैनक्लैन ने बहुत बड़ा हंगामा भी करा था यहाँ तक कि वैनचिंग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई अब वेंचिंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी इसलिए वह ना चाहते हुए भी वो शादी नहीं टूट सकती थी लेकिन वेंचिंग को एक ऑप्शन दिया था उस समय भी लेंकैन ने वो चाहे तो वहाँ से जा सकती थी खुद लांग वांगजी ने वेंचिंग से बोला था कि अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और सिर्फ अपने भाई की वजह से कर रही थी तो वो जा सकती है लेकिन वेंचिंग उस समय चुप रही क्योंकि मन में वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी लैंडक्लैन से उसे लगा लैंडक्लैन ने उसके बड़े भाई की बेजती करी है तो वो उस बेजती का बदला खुद लेना चाहती थी इसलिए वो सबके बीच में यही कहती है कि वो ये शादी को कंटिन्यू रखेगी लेकिन असलियत में उसके दिमाग में कुछ और था वांगजी और वेंचिंग की शादी करीबन सिर्फ तीन से चार महीने ही चली, इन तीन से चार महीने में उन दोनों की शादी कभी पर वो शादी एक अनकम्प्लीट ही शादी थी उसका कारण ये था कि लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से वेंचिंग और लांगवांगी कभी भी फिजिकल नहीं हुए थे उन्होंने अपनी शादी का वो लास्ट रिचुअल यानी एक दूसरे को अपना अल्फा और मेगा मान मानना वो कभी करा ही नहीं वो दोनों एक अनटस्ट और, और अल्फा थे लेकिन इन तीन चार महीने में बेंचिंग ने जो लांग क्लैन में करा था वो लोग कभी भूल नहीं सकते बेंचिंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा बेजत किया था बांगी ने शुरुआत में अपने इस रिश्ते को एक अटैम्प्ट दिया था अपने रिश्ते को एक मतलब होता है ना अल्फा वाली तरह अपने ओमेगा को वैल्यू करना अपने ओमेगा को एक चांस देने की कोशिश करी थी पर वेंचिंग ने उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं की वो तो एक प्लान से यहाँ थी उसने एक दिन मौका देख के पहले शुरुआत में उसने वांगजी को एक क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हीलर थी उसे हर्ब्स की नॉलेज थी तो एक इस टाइप की हर्फ देने शुरू कर दी वांग वांगजी के बॉडी धीरे धीरे वीक पड़ जाए और बाद में उसने पूरे के पूरे लैंड क्लैन के खाने में कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश की थी कि लैंड क्लैन के लोग मर जाएं हाँ उसने एक पॉइजन मिक्स कर दिया था क्लैन के लोगों के खाने में काफ़ी सारे लोग उस समय बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे पर उस समय मिंग्याओं ने ही और ला, का सच सबके सामने लाया था सही समय में मिंग्याओं ने वेंचिंग के जो किया था उससे लोगों को सेव कर लिया था वेंचिंग को उस समय ये लोग बहुत बड़ी पनिशमेंट देना चाहते थे लेकिन तब भी लांगवांग जी ने वैनचिंग को सेफली उसके क्लैन में जाने दिया था ये कह के कि उसने ये सब गुस्से और नफरत में किया था उन लोगों की शादी उसी समय तोड़ दी गई थी वो एक अधूरी शादी थी तो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस भी नहीं लगा था इन रैंचिंग में भी गुस्से में वहाँ से चली गई थी लेकिन उसने बोला था कि वो इस चीज़ कर, को के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगेगी उसने कोई गलती करी ही नहीं वो लास्ट तक यही बोलती रही ऑलरेडी उनके बॉर्डर्स पर लड़ाई के लिए आ गया था कि अगर उन्होंने वेंचिंग को कुछ भी करा तो वो एक वॉर कर देंगे इस सिचुएशन में वांगजी ने जिस तरह से कामली सब कुछ डील किया उसने वेंचिंग को वहां से जाने दिया एक वॉर नहीं होने दी ये देखकर कुरैन जो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा पहले से ही गिल्टी फील कर रहे थे वो ही थे जिन्होंने इस शादी के बारे में सोचा था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करी थी और कहीं ना कहीं वांग जी की शादी और वेंचिंग की शादी के लिए उन्होंने ही सबको कन्विंस किया था तो इसी कारण वो अपनी गिल्ट में खुद सेक्ट लीडर की पोजीशन से हट गए थे और 21 ईयर ओल्ड वांग जी उस समय लेंसैक के लीडर बन गए थे तब से वो लेंसैक के लीडर हैं और वेंट वें उनकी फर्स्ट शादी की यही स्टोरी थी यही कारण है कि वांग जी इस जबरदस्ती की शादी से डरते हैं क्योंकि नहीं पता इंसान के दिमाग में क्या चल रहा हो और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वांग जी अभी जो अपने इस रिश्ते को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं है और आपको भी पता चल गया क्या थी वांग जी की फर्स्ट शादी की कहानी सो गाइस आप पे से कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे वो स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें वांगी और रिंग एक दूसरे को ए, किसी और के साथ फिज़िकल हों या एक दूसरे के, के अलावा किसी और के साथ रोमांटिक्स हो तो गाइस ऐसा कुछ था ही नहीं मेरी स्टोरी में तो जो लोग इस चीज़ को लेके वरी थे आई थिंक वो मैंने सबकी वरी ख़त्म कर दी आपको वांगजी की फर्स्ट शादी की कहानी पता चल गई और अब तक तीन एपिसोड में कोई भी वांगजी और रिंका का रोमांटिक सीन या कुछ इस टाइप का नहीं आपको सुनने के लिए मिला पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और जैसी भी लगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा थैंक यू